हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सिटी लाइव डायलॉग्स में मैं रवि कामरा आज फिर से स्वागत करते हैं, और हमारे साथ हैं अमला बत्रा जी, जो मन से पोएट हैं और शिक्षाविद होने के नाते महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल रही हैं, और एक युवा शायर जितेंद्र सारस्वत जी हमारे साथ हैं। आज हम दौर चलाते हैं चर्चा का कम और मोहब्बत का ज़्यादा, क्योंकि फरवरी का महीना है। और फराज साहब ने कहा, हर कोई पूछता है करते क्या हो फराज, सबके लिए मोहब्बत तो जैसे कोई काम ही नहीं है। तो आज बातें करेंगे मोहब्बत की, फरवरी का महीना जैसे चल रहा है, इश्क की बातें हो रही हैं, और अमला जी हमारे साथ। तो अमला जी से पहले ही पूछ लेते हैं कि अमला जी, मन में क्या चल रहा है आपके? बस बसंत ऋतु अभी ख़त्म हुई है, सब तरफ रंगत ही रंगत है अलग अलग तरीक़ों से, और इसमें मोहब्बत भी घुली हुई है ऐसा लगता है। हर दिन जो है वो प्रेम से सरोबार है फरवरी का महीना। और आप जानते हैं कि इंसान जो है एक ज़िद्दी परिंदा है, और जो घायल भी प्रेम से है और शायद ज़िंदा भी प्रेम से ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, चारों मेर प्रेम ही प्रेम है। देखिए, आप याद आता है मीरा ने प्रेम किया कान्हा से, और राधा ने प्रेम किया कान्हा से, उधर जो है अकबर ने प्रेम किया जोधा से। शुरू से देखते आए हैं कहानियाँ सब प्रेम ही प्रेम की हैं, और मुझे लगता है प्रेम बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। और इस पे मुझे लाइनें याद आ रही हैं दो गाने की, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। तो ये ऐसी चीज़ है प्रेम, इंसान लगता है कि वो इसकी एक ज़िद है, एक हट है प्रेम की, ना तो इस प्रेम से वो घायल होता है और ना वो ज़िंदा रहता है, या मैं कहूँगी कि वो प्रेम से ही घायल होता है और प्रेम से ही ज़िंदा रहता है। इतनी अजीब सी चीज़ है ये। बहुत बढ़िया मामला जी, ऐसा मेरा भी मानना है कि कुछ कर गुज़रने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। मन में एक ऐसी चीज़ छाई रहे जो प्रेम के प्रति हर समय अग्रसर रहे। तो जितेंद्र जी, आपको युवा पीढ़ी के नाते आज के जो माहौल में, आज के दिन के प्रति, वैलेंटाइन डे जिसको कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे जितेंद्र जी? शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया की, इस कायनात की जो बुनियाद है वो मोहब्बत और इश्क ही है। एडम और ईव का नाम लेते ही जो इश्क के मसीह माने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो कायनात है इसकी बुनियाद इश्क और मोहब्बत ही है। हर शख्स मुझे बेपनाह बेलौस मोहब्बतों से लबरेज नज़र आता है। ऐसा लगता है कि हर इंसान इश्क से भरा हुआ है। फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो इश्क को काम समझते हैं या काम से आशिकी करते हैं। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो देखिए, शायर भी इश्क से इसलिए लबरेज है कि वो हर तरफ शायरी दिखाई देती है। और ऐसा भी कहा जाता है, देखिए इश्क के बारे में जितनी भी बातें कही गई वो इंटरेस्टिंगली कही गई। मुझे जो बात सबसे अच्छी लगती है कि इर्द गिर्द हम जितने भी बातें देखते हैं, कहते हैं कि इसमें डूबने वाला तरता है। इस बात को बड़ी गहराई है कि हम डूबते तो हैं लेकिन हम तर जाते हैं। आनंद बख्शी ने लिखा कि मोहब्बत सबकी महफिल में शमा बनकर नहीं जलती, हसीनों की नज़र सब पर छुरी बनकर नहीं चलती, जो हैं तकदीर वाले बस वही कुर्बान होते हैं।
तो बड़े खुशकिस्मत हैं हम लोग की, हमें इश्क पर बात करने को मिल रहा है, और हम सभी जो हैं, सब हर आदमी मेरे ख्याल से हम एक दूसरे से इश्क और मोहब्बत में जुड़े हुए हैं। शायर ने ये भी कहा कि बड़े अजीब असूल हैं इश्क के, कि जिसको सबक याद हो गया उसको छुट्टियां नहीं हैं। वरना तो जिसको सबक याद हो गया तो प्रोफेसर या टीचर छुट्टी दे देता है कि चलो तेरे को याद हो गया, लेकिन जिसको ये याद हो जाता है उसको कोई छुट्टी नहीं है। अमला जी क्या कहेंगे आप इसके बारे में? समय भी लिमिटेड नहीं है, ये बात है इसमें। मैं तो ये कहूँगी, कैसे मान लूँ कि तू पल पल में शामिल नहीं, कैसे मान लूँ कि तू हर चीज़ में हाजिर नहीं, ये है इश्क। कैसे मान लूँ कि तुझे किसी की परवाह नहीं, कैसे मान लूँ कि दूर भी नहीं है तू पास भी नहीं, कैसे मान लूँ कि तू हर एक के पास है, देर मैंने ही लगाई शायद तुझे पहचानने में, ऐसा लगता है, और ये है इश्क। बहुत अच्छा। लेकिन मुझे कुछ, मैं आप दोनों से अगर थोड़ा सा डिफरेंट चलूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इश्क जो है, अगर सिर्फ उसको शरीर तक या किसी लिंग तक देखा जाए कि स्त्री और शरीर और इश्क, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के साथ इश्क होना, जिंदा दिली होनी, जीता आदमी को ऐसा महसूस होना कि किसी को मिलो तो दूर से ही पता चले कि यार ये तो इश्क में है, यानी कि वो ज़िंदगी के साथ इश्क में है, उसकी लाइफ ऐसी है कि जिसको वो जी के ऐसा इन्जॉय कर रहा है हर पल, कि उसकी हर बात इश्क से जुड़ती है। हालांकि युवा पीढ़ी मेरी बात से शायद नहीं इत्तफाक करे, लेकिन आप तो शायर हृदय हैं, तो आप जितेंद्र जी इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा मेरा मानना है कामरा जी कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, और दर्शन भी जो है, ये फिलॉसफी भी ये है कि हेनरी गिब्सन का एक नॉवल है डॉल्स हाउस, उसमें उसने कहा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर एन इंडिविजुअल, अब सबसे पहले खुद से मोहब्बत करें। और बहुत सारी ऐसी बातों में हमें ऐसी बात झलकती है कि दुनिया की परवाह न करते हुए हमें अपने आप से मोहब्बत करने में कहीं कोई नफ़ा नुकसान की बात है ही नहीं। अब अपने आप से मोहब्बत कीजिए तो फिर नफ़े नुकसान की में परवाह ही नहीं रहती है। देखिए बुल्ले शाह ने कहा कि दिल विच तार इश्क दी वजदी, नाले वजदी खंजरी होए, बुला नच के यार मनवा लेना, भावे लोग कहन पैड़ी कंजरी होए। उनका मीनिंग ये था कि आप दुनिया की परवाह किए बिना आप क्या करना चाहते हैं वो कीजिए, उसमें एक अजब सा एक आनंद है, एक उत्साह है, एक मज़ा है, और वो अपने आप से मोहब्बत करने से ही मिल पाता है। और बशीर बद्र साहब ने भी कहा है कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, चांद लाके कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से ही जगमगाया कर, अपने चेहरे से ही जगमगाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आँखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होंठों से, काम ले कुछ हसीन होंठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बातों बातों में मुस्कुरा सकता है, जो ज़िंदगी को जी सकता है, वास्तव में तो जीना उसी को कहते हैं। अमला जी, हाँ जीना उसी का नाम है। तो अमला जी आप, मैं तो सोचती हूँ ये जीने में क्या, सारा जहाँ उसी का जो मोहब्बत करना जानता है, सारा जहाँ उसके सामने झुक जाता है, ये देखा गया है। और देखिए रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है, नहीं तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छी बात अभी आपने कही कि खुद से मोहब्बत करो। हम सब कुछ कर लेते हैं पर अपने आप से कभी बात नहीं करते, अंदर घुस के अपनी आत्मा में जाके उससे मोहब्बत करें तो शायद बहुत सारी चीज़ें और सरल हो जाएंगी जीवन में, और जीवन में एक नया उत्साह होगा हमारे लिए, एक नई खुशी लाएगी ये सब चीज़ें। हम सारा दिन भागते रहते हैं, ये भी अच्छा है, दूसरों के लिए थोड़ा काम करते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं, पर कहीं कोने में अपने लिए भी मोहब्बत रखें और उस मोहब्बत को कभी कभी झांक लें तो शायद वो दुगनी हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि सब कुछ शून्य है। शून्य मेरे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्यभट्ट ने जैसा कहा था, जैसा निकाला था उन्होंने जीरो, पर मैं सोचती हूँ
मैं उस शून्य की बात कर रही हूँ जहाँ सब कुछ खाली दिखता है, और उसमें अगर मोहब्बत आ जाए तो सब कुछ भरा दिखता है, बहुत अच्छा सा है ना, मानते हैं? एक छोटा सा मैसेज भी मैं कामरा जी आपके थ्रू नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो इश्क और मोहब्बत है वो एक बड़े पैमाने पर हम देखते हैं तो वो आपको करेज देता है, वो आपको हिम्मत देता है। मैं नौजवानों कई बार इश्क में मायूस होते देखता हूं तो मुझे एक तर्दीद, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है कि इश्क कभी भी आपको कमज़ोर नहीं करता है। अगर वो सही मायने में आप इश्क कर रहे हैं तो वो आपको हिम्मत देता है। मुनीर ने लिखा कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे, और हम पे अम्ल कैसे किया इसका हिसाब क्या देते, अम्ल कैसे किया इसका हिसाब क्या देते, सवाल ही गलत थे सारे जवाब हम क्या देते। तो एक नौजवानों को मेरे ख्याल से एक मेरा ये मानना है कि जो इश्क और मोहब्बत है अगर वो सही मायने में किया जाए तो उसमें लेकिन इसमें भी कमरा जी बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। फैज ने लिखा कि वो काम काम ही क्या जिसका बोझ सर पे हो, और वो इश्क इश्क ही क्या जिसका चर्चा घर पे हो। तो बुल्ले शाह तो कहते हैं कि बुल्ला नच के यार मनवा लेना पावे लोग कहने कंजरी होए। तो इसमें हमें ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है शायद इसमें भी एक बड़ी मोहब्बत छुपी हुई है। एक बड़ी बारीक सी लाइन है नौजवानों के लिए कि वो जो हैं वो जब मोहब्बत करें, जब इश्क करें तो उसे 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 उसके जो ट्रू सेंस है उसके सही मायने में उसके मतलब भी पता होने कि इश्क क्या होना चाहिए। आपने अभी कहा उस पर मैं कहना चाहूँगी कि छुपे छुपे से रहते हैं, सरे आम नहीं हुआ करते, कुछ रिश्ते बस एहसास होते हैं उनके नाम नहीं हुआ करते, इसलिए छुपा छुपा होना भी बहुत जरूरी है। और ये है मोहब्बत जो छुपी रहती है जिसका नाम नहीं है कुछ, इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप किन्हीं भी वर्ड्स में, यू कांट डिफाइन इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कैन ओनली एहसास, इसको एहसास करना होता है, ये एहसास सब कुछ बयां कर देता है, इसका कोई नाम नहीं होता और इसको बयां नहीं कर सकते, सिर्फ एहसास से बयां किया जाता है, आंखों से बयां किया जाता है, बातों से, चुप रह के, चुप्पी जो है वो बहुत कुछ बयां कर देती है। मौन भी कविता है, मौन भी कविता है। अभी आपने कहा ना कि सारे की सारे सवालों का जवाब भी मौन ही दे देता है, मानते क्यों कामरा साहब? जीवन के बारे में अगर शायर ने ये कहा कि जितनी भी शायरी है इश्क और मोहब्बत पे या पॉजिटिविटी पे ही लिखी हुई है, नफ़रत पे कोई शायरी नहीं है, कोई भी कहीं भी शेर कोई आपको नफ़रत पे या गुस्से पे नहीं मिलेगा, किसी को बुरा भला कहने के लिए कोई शेर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मोहब्बत जताने के लिए किताबें भरी पड़ी हैं। तो ये रंग जो मोहब्बत का है इसको अगर इस तरह से लें कि जीवन एक जश्न है, रास राग और रंग है, हर श्वास में मीना है, हर श्वास में मीना है और हर धड़कन में मृदंग है। तो जितेंद्र जी आपने एक युवा पीढ़ी के बारे में कहा, अमला जी आप एक अलग ही अंदाज में आज सरोबार कर रही हैं इस महफिल को, सिटी लाइव के डायलॉग्स में आप एक ऐसी रंग भर रहे हैं, तो कोई एक और कोई चीज़ गुनगुना के सुना दें अमला जी। मैं तो वही कह रही थी, बोल रही थी कि मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जुबां पर कैसे नहीं भूल गई मैं तो याद नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी, तो कुछ और जो लाइन याद है वो कुछ हाँ मैं को याद कर रही हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आगे आप सुनाइए। ये आपका जो ये तरन्नुम में जैसे लेके आई है इस महफिल को,
तो उससे एक नया रंग बिखर के आया, क्योंकि भावनाओं के साथ तरन्नुम जब आ जाता है तो एक अलग किस्म की फीलिंग आती है। जितेंद्र जी आप भी गुनगुना लेते हैं थोड़ा बहुत? आप नहीं गुनगुनाएं, लेकिन आप कुछ ना कुछ एक कोई शायरी कोई एक पहलू, मुझे हर बात पे आपकी हर बात पे एक पहलू नज़र आता है मुझे, तो मैं नौजवानों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हुए मुझे लगता है कामराज जी कि आजकल नौजवान इश्क के लिए कुछ जल्दबाजी में मुझे नज़र आते हैं और शिकायतों के दौर बहुत हैं। जब भी हम देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा हम शायद हम भी अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमें शिकायतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो किसी शायर ने कहा कि वो हमदर्दी क्या जिसकी हर बात में शिकायत का पहलू निकलता रहे। क्या बात, वो हमदर्दी क्या जिसकी हर बात में शिकायत का पहलू निकलता रहे और बदल जाए खुद तो हैरत है क्या जो हर रोज वादे बदलता रहे। क्या बात, बहुत अच्छा। तो आप इस पर भी मुझे और शिकायतें भी और जल्दबाजी, मैंने एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है कि इश्क जो है इसमें कहते हैं कि जो भटके हुए हैं वो रास्ता दिखाते हैं, तो आपके भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आप इसमें तो निश्चिंत रहें कि इश्क में भटक जाऊंगा क्योंकि मंजिल तो है ही नहीं, सफ़र ही मंजिल है। तो लेकिन इसमें एक बात का भी ध्यान रखना है नौजवानों को कि इश्क अपने सही मायनों में अगर इश्क है तो आप में हिम्मत भी होगी और आप ये मान के चलें कि खुदा भी आपके साथ होगा, ये सारी कायनात आपके साथ होगी कि आपका इश्क परवान चढ़े और आप जिस इश्क जिसे मोहब्बत करते हैं वो आपके साथ रहे। क्या बात, ये सिलसिला चलता रहता है। और मुझे याद आ रही है गज़ल की दो लाइनें, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, क्योंकि मोहब्बत का सिलसिला जनरेशन दर जनरेशन ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग सब आगे बढ़ बढ़ के आगे जाते रहेंगे। सोचती हूँ मैं ऐसा, है ना? आपने जितेंद्र जी अभी बात कही कि कुछ आपस में तकरार नहीं होनी चाहिए, और मैं सुनाता हूँ आपको माया मलिक जी की एक कविता कि मैंने जो तुम्हें फूल दिए उनमें गंध नहीं थी, मुझे मालूम था इनमें सुगंध तुम भर दोगी, और तुमने जो मुझे फूल दिए उनमें रंग नहीं थे क्योंकि तुम्हें मालूम था कि इनमें रंग मैं भर लूंगा। तेरा मेरा प्यार ये रंग और सुगंध का ही तो एक सिलसिला है। तो आप उन लड़कियों को कोई संदेश देना चाहें आज सिटी डायलॉग के माध्यम से जो आपके साथ थिरक उठती थी महारानी कॉलेज में, कि प्रिंसिपल के साथ थिरकना एक अलग उनका एक वो भाव आता था, तो आप कुछ कहना चाहें अमला जी? लड़कियों का वो ज़माना मुझे भी एकदम याद है और करीब करीब याद ही रहता है, जहाँ भी जाती हूँ आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुरानी स्टूडेंट मिल जाती है और दिल खुश हो जाता है और वो मोहब्बत याद आ जाती है, गले लग जाती हैं लड़कियाँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ तुमको मिलेंगे ऐसे ज़माने में चंद लोग हमारी तरह, तुमको मिलेंगे ऐसे ज़माने में चंद लोग, हमसे मिलो कि हम हैं मोहब्बत पसंद लोग। और मैं तो ये ऐसा समझता हूँ कि सवाल ये नहीं है कि मौत के बाद ज़िंदगी है या नहीं, सवाल है तो ये कि मौत से पहले ज़िंदगी है या नहीं। अमला जी आपका और जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने सिटी लाइव्स की ये जो शाम है ये खुशनुमा कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद।